हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ पावागढ़। अकेला नहीं हूँ, हम सब हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन है। ये रौनक अभी कैमरा पकड़ रहा था। ये आलोक, पीयूष, ये कौन भाई, सुमित, यहाँ पे कैमरा चल रहा है। अरे ये है अंकल जी। तो गाइस, यहाँ से अभी लगभग 30 किलोमीटर जैसा ही बचा है और मैं यहाँ खड़े खड़े भी वो देख रहा हूँ पावागढ़। थोड़ा बहुत यहाँ से भी दिख रहा है, आइए आपको भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस, आगे हमें ऐसे ही मतलब गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी पड़ी। आगे गाड़ी ले जाने की मनाही है क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ मची हुई है। तो हम अब यहाँ से जाएंगे बस में यहाँ देखते हैं कैसे जाए, तो देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बस ढूंढने के लिए चलते, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई है, आपको दिखाता हूँ। पूरे रास्ते में गाड़ियाँ भरी भरी है। हमने तो हमारी पार्क कर दी, अभी चलते जा रहे हैं। और हम अभी आ गए हैं पावागढ़ के बस स्टैंड। तो यहाँ से हमें बस मिल जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ से ऊपर हम बस में जाएंगे, फिर वहाँ से मंदिर तक हम चल के सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी इतनी सारी भीड़ है कि बस में जाने के लिए लाइन लगी है। तो अभी यहाँ पे खड़े रह के वेट करेंगे हमारा नंबर आने तक। तो हम यहाँ पे बस में बैठ चुके हैं, अब हम जाएंगे ऊपर, देखते हैं। भी काफी मुश्किल से हमें यहाँ पे जगह मिली है। हम बस से उतर चुके हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर ही दिया है हमने। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप तो यहाँ पे। तो अगर आपको लिफ्ट में जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हो, और चल के जाना हो तो यहाँ से। तो हम तो चल के जाएंगे। तो गाइस, इतना ही चढ़ के हम काफ़ी थक गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक
चॉकलेट जो दिख रहे है वो लू। तो यहाँ पे आपको ये सभी सभी दुकानों पे ये मिल जाएगी क्योंकि इसमें एनर्जी आती है। पीछे आप जो देख रहे हो वो बहुत पुराने समय से जगह है जहाँ पे पुराने जमाने में जो थे महाराजाओं वो यहाँ से अनाज जो रहता है वो यहाँ से मतलब इकट्ठा करते थे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा ही थक गए हैं अभी हम, तो तरस लगने के कारण हम यहाँ पे पी रहे हैं नींबू शरबत। ले ले भाई। चीयर्स। तो गाइस बहुत ही थक गए, अब इतना चल के आए क्या बताओ, आपको क्या बताएगा। एक बना दो और। गाइस मैं अभी आया हूँ यहाँ के दुधिया तालाब में, तो आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का दुधिया तालाब। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने हाथ पैर धोते हैं, तो दिखाता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, आपको दिखाता हूँ।
तो हम अभी वापस घर जा रहे हैं और जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो जाने में भी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा हमें। चलिए चलते हैं। तो गाइस हम घर जाने के लिए निकल चुके हैं और अभी बस का वेट कर रहे हैं। आ गई बस। तो गाइस हम आ चुके हैं पावागढ़ से अभी एक होटल में। सबको भूख लगी है तो हम थोड़ा कुछ खाएंगे अजी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, थोड़ा बहुत नाश्ता किया था बस। बार बार थके जा रहे हैं ना। थक गया मैं।